हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा अपने चैनल फ्लेवर्स बाय सुषमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं लेकर आती हूँ कुछ बहुत ही डिलीशियस और क्रिएटिव डिशेस। अगर आपको पसंद आती हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में सूजी केक, वो भी एगलेस, जिसको रवा केक भी कहते हैं या फिर सिमोलिना केक भी कहते हैं। और इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर 1 कप दूध, ये रूम टेम्परेचर पर है, 1/2 कप फ्रेश दही, ये भी रूम टेम्परेचर पर है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये मैंने जिस कप से लिया था दूध नापकर इसी कप से 1.5 कप ली है सूजी। ये मोटी सूजी थी, इसको मैंने एक बार मिक्सर में डाल करके अच्छे से महीन कर लिया है। आप मार्केट में अगर आपको महीन रवा मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, खूब अच्छे से 1 मिनट के लिए ऐसे फेंट दीजिए जिससे सारे इन्ग्रीडियंट्स आपस में मिल जाएँ। ये देखिए अब अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसको ढाँक के रख देंगे 25 से 30 मिनट तक के लिए, जिससे कि सूजी अच्छे से सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। देखिए हमारी सूजी भी 30 मिनट तक भीग चुकी है। अब हम जल्दी से ये अपना केक टिन तैयार कर लेंगे। पहले अच्छे से इसको ग्रीस कर लेंगे ऊपर तक सब तरफ से। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये 5 मिनट पेपर भी कट करके रख लिया था साइज का, इस पर भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे। देखिए केक टिन तैयार हो गया, इसको एक तरफ रख देते हैं और बाकी की तैयारी करते हैं। हमने एक तरफ अपने ओवन को कन्वेक्शन मोड पर लाकर 180 डिग्रीज पर प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। और अब हम यहाँ पर रख रहे हैं 1/4 कप ऑयल, वेजिटेबल ऑयल है ये, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बस उसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए 1/4 कप बटर, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आसानी से बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। इसमें ये 1 कप चीनी है पिसी हुई, इसको मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून फुल लेंगे वनीला एसेंस, आप चाहें तो यहाँ पर नटमेग पाउडर या इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसको 2-3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए 1/2 कप मैंने मैदा ली है, इसमें से हम थोड़ी सी मैदा बचा लेंगे नट्स के ऊपर डालने के लिए। नट्स पे मैदा या आटा जो भी आप जिसका भी केक बना रहे हो उस जरूर डालें थोड़ा सा, नीचे वो नीचे बैठ जाते हैं केक बनने के वक्त। इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये भी देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए सूजी मेरी अच्छे से भीग गई है, फिर ये बाकी का बैटर वो भी इसी में मिक्स कर देंगे। सूजी देखिए कितनी बढ़िया फूल गई है एकदम, इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत तेज़ी से नहीं चलाना है स्पैचुला, धीरे धीरे मिक्स करिए। ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब देखिए बाकी की तैयारी करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। यहाँ पर मैंने ये थोड़े से बादाम, इनको थोड़ी देर भिगो करके छिलका निकाल दिया था, तो ये नीचे साइड में लगा देंगे इसके ऐसे। थोड़ी सी ये कटी हुई मेवा है काजू पिस्ता और बादाम, इसको भी नीचे थोड़ा डाल देंगे तो जब ये बनेगा केक तो बहुत अच्छा लगेगा देखने में। देखिए जो मेरे बाकी कटे हुए मेवे हैं, इसमें जो मैंने थोड़ी सी ये मैदा बचाई थी इसको मिक्स कर लेंगे और हाथ से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से जो मेवा हम बीच में डालते हैं सूजी केक के तो वो नीचे नहीं बैठती, वो पूरे में अच्छे से फैल जाती है। इसको भी मिक्स कर देंगे बैटर में। आप चाहें तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खूबसूरत भी बहुत लगता है उसका केक भी। अब हम इसको बैटर को धीरे धीरे इस पर डाल देंगे पूरा। इस केक टिन का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, ऊपर से भी थोड़ी सी ये मेवा कटी हुई ऐसे डाल देंगे। इसको हल्का सा टैप कर देंगे और 30 मिनट के लिए इसको पहले रखेंगे,
15 मिनट के बाद हम ये चेक करेंगे कि अगर ऊपर ब्राउनिंग हो रही है तो हम फॉइल पेपर लगा दें, और उसको 30 मिनट बाद फिर चेक कर लेंगे कि अगर ये पक गया है तो, नहीं तो थोड़ा सा और 5 मिनट लिए पकाएंगे। देखिए हमारा ओवन जो है 180 डिग्रीज पर प्री हीट हो चुका है। अब हम रख देंगे इसको 30 मिनट के लिए। देखिए हमारा सूजी केक कितना शानदार तैयार हो गया है। हम इसको ठंडा करके फिर निकालेंगे। देखिए मेरा कितना शानदार ये सूजी केक तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।